हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन निष्पवन। गाइस, आज जो हम लोग लेक्चर स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? गाइस, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में SCF गेट करना बताया था कि SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं टू नंबर्स के बिटवीन। आपका उसमें से मैं ये भी बताऊँगा कि थ्री नंबर्स के बिटवीन SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको कराऊंगा। गाइस, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि थ्री नंबर्स के बिटवीन भी SCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके गाइस, अब गाइस समझिए क्या लिखा हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, इसको ध्यान से समझेंगे गाइस। इस चीज़ को कह रहे क्या चल रहा है, अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। देखिए गाइस, इसको समझने के लिए आपको मेरी एक बात थोड़ी सी अच्छी समझनी पड़ेगी। बेसिक वाला पॉइंट क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर समझना होगा। क्या है प्राइम नंबर, देखिए ध्यान समझेंगे। अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन वन एंड इट्सेल्फ एंड एक्सेप्ट देन वन। ये भी चीज़ ध्यान रखना, प्राइम नंबर में जो नंबर सेल्फ डिविजिबल हो उनका एक से ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मतलब कि वन हो और वन के अलावा वे खुद हो, सेल्फ हो, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी वन के अलावा कोई फैक्टर ना हो, मतलब ये तो होंगे सेल्फ, ठीक है ना, सेल्फ तो हो और वन हो, इसके अलावा कोई भी और अदर फैक्टर ना हो उसका, ठीक है ना। उसे कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। बट ध्यान रखना, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो। लेकिन वन इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, टू होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है गाइस, टू होता है। आई होप ये भी डेफिनेशन अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश की है गाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। क्या होता है कंपोजिट नंबर, अभी आपने डिस्कस किया प्राइम नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर हो गए क्या, हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, यानी जो एक नंबर है उसके अलावा उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर उसमें क्या था, केवल एक और वो सेल्फ फैक्टर था। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं कि उसके एक के अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जैसे फोर को आपने देखा, फोर का वन भी एक फैक्टर है, टू से भी वो परफेक्टली डिवाइड होता है और फोर सेल्फ में भी खुद हो गया। तो यानी मोर देन वन फैक्टर है नहीं है, एक से ज़्यादा फैक्टर है और एक भी है और एक के अलावा भी है वैल्यू, एक के अलावा क्या क्या है, टू और फोर। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बातें। तो यानी कंपोजिट नंबर जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाए एक के अलावा, बस ध्यान रखें एक से ज़्यादा फैक्टर्स को हम क्या कॉल करते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है गाइस, फोर होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, टू, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, फोर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ओके, अब बात करते हैं नॉट में क्या लिखा हुआ है, नॉट उस पॉइंट को हम, नॉट को हम समझते हैं अच्छे से गाइस। ओके, तो देखिए गाइस क्या लिख रहा है नॉट में, ये नॉट है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। सेकंड, टू इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये इवन प्राइम नंबर्स बता रहा है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर कौन सा होता है, फोर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बताएगी इवन जो प्राइम नंबर होते हैं टू से स्टार्ट हो रहे, कंपोजिट नंबर फोर से स्टार्ट हो रहे, इसलिए दोनों ही हैं स्टार्ट हो रहे जो वो इवन ही काउंट लोगे, ठीक है ना। इसलिए से हमने क्या कॉल किया, इवन कॉल किया, इसलिए यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में भी आएगा कि भाई इवन कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, आपने वो बता ही दिया कि कौन सा होता है वो गाइस, फोर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स तो टू, कंपोजिट होता है फोर। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या कह रहा है गाइस, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर इज नाइन, जो स्मॉलेस्ट ओड नंबर होता है, ओड नंबर आपको बताया कि नाइन ही होता है ओड नंबर, और स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन हो गया, नाइन, क्योंकि नाइन वन से भी है, थ्री से भी है, एंड खुद सेल्फ नाइन से भी है, परफेक्टली क्या होता है, डिवाइड होता है गाइस। ओके,
तो नाइन कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर, ये ध्यान रखना, पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई बताओ इसमें से कौन स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर है या स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर, आपसे पूछ लेगा क्या है इसमें से। आपको कुछ फॉलोइंग दी फोर ऑप्शन देगा, पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इन द फॉलोइंग कंडीशन, आपको फॉलोइंग ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको बताओ भाई ये फाइव है, बी ऑप्शन दे देगा ये फोर है, सी ऑप्शन दे देगा ये टू है, डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज है, तो यानी फोर, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन आपसे पूछे कंपोजिट नंबर, इवन में कौन होता है, फोर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आई होप ये भी पॉइंट आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या लिख रहा है, फैक्टर ट्री मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड समझेंगे। फैक्टर ट्री मेथड से भी हम लोग SCF निकालना सीखते हैं। अभी SCF हमने गेट करना सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से, यानी डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई करके SCF फाइंड आउट करना सीखा था। अब सीखेंगे गाइस हम लोग ट्री मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग SCF फाइंड आउट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ट्री मेथड भी ध्यान से समझेंगे। ट्री मेथड का मतलब क्या है, आप बात को समझते हैं, ध्यान दीजिए गाइस। ट्री मेथड का मीनिंग होता है चैन ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द ट्री कॉल्ड ए फैक्टर ट्री। सीधी सीधी सी बात है, जो ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, फैक्टरों की चैन को हम किस में रिप्रेजेंट करनी है, ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, बस ध्यान दीजिए। फैक्टरों की चैन को किस में रिप्रेजेंट करनी है, ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए गाइस क्या लिखने वाला है, देखिए बेसिकली एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने 24 लिया ट्री मेथड से सॉल्व करना, ध्यान रखेंगे इधर जो लेफ्ट साइड आएगी वो डिवाइड वाली कंडीशन होगी, भाई इधर से डिवाइड करके यानी फैक्टराइज वाली कंडीशन, 24 को आप इसके फैक्टराइजेशन कर देते कौन से मेथड से, ये मेथड था एलसीएम मेथड आपका, 2 से करते थे 12 आता था, फिर 2 से करते थे 6 आता, फिर 2 से करते थे 3 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया, तो है एलसीएम मेथड आपका, ठीक है। बस इसे लिखने का तरीका क्या है भाई, 2 को आप यहाँ पे एलएचएस में लिखेंगे, जो आता रहेगा उसे आरएचएस में, ठीक है ना भाई। 2 से किया 12 आ गया, फिर 12 कितने से डिविजिबल हो सकता है वो देखिए आप, 12 फिर आपने लिखा, 12 को डिविजिबल करा कितने से, फिर 2 से किया, ठीक है ना, ये 2 से किया तो कितना आ गया 6 आ गया, फिर आपने क्या किया 6 को किया, 6 को डिवाइड किया कितने से किया 2 से किया, तो कितना मिल गया 3 हो गया, बस फाइनली अब यहाँ तक इस आगे हम नहीं जा सकते। तो इस तरह का जो मेथड बनता है इसे हम बोलते हैं गाइस कौन सा मेथड, ट्री मेथड, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे ट्री मेथड। तो ये था गाइस आपके पास ट्री मेथड, आई होप आपको बहुत अच्छे से बात मेरी समझ में आई होगी गाइस, ओके। तो ये प्रोसीजर है आपके पास कि ट्री मेथड से हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। एक क्वेश्चन और डील करते हैं हम लोग, चलिए ट्री मेथड की हेल्प से, देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए द नंबर 4095 को, कौन सा नंबर दिया उसने मुझे 4095 थ्रू द फैक्टर ट्री मेथड, लिख दिया उसने कौन से मेथड से, कह दिया फैक्टर ट्री मेथड से, एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा शो करने के लिए कि भाई इस मेथड से कीजिए, यदि एग्जाम में इस मेथड से नहीं मिला तो फिर एज योर चॉइस जो तुम्हें बेहतर लगे उस वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को, जो भी वो कहेगा। अब तो उसने केवल क्या कहा, केवल उसने फैक्टराइज करने के लिए कहा, हाँ तो हमें केवल फैक्टर करने हैं उस कंडीशन के, क्या करने, केवल फैक्टर, ये नहीं कह रहा मुझे SCF फाइंड आउट करो, केवल फैक्टराइज करवा रहा है, तो ठीक है मैं फैक्टर करूँगा सिर्फ ऑनली इस चीज़ के। तो चलिए गाइस समझते हैं फैक्टर कैसे करते हैं इसके, ध्यान से समझेंगे गाइस इस पॉइंट को हम लोग। देखिए 4095 के हमने फैक्टर किए, सबसे पहले देखा कितने से कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल होता है, 3 से कैंसिल किया, जो कैंसिल हो गया है उसे मैंने इधर लिखा राइट हैंड में, ठीक है, 3 से कैंसिल किया उसे लेफ्ट में, जो आया कैंसिल हो गया उसे राइट में लिखा। फिर आपने क्या किया 1365 को फिर कितने डिवाइड किया, 3 से डिवाइड हो सकता है, कितना आ गया 455। फिर हमने देखा कितने से डिवाइड हो सकता था ये 5 से, तो आपने कितने डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया 91। फिर देखा 91 कितने से डिवाइड हो सकता है 7 से, कितना आ गया 13, और फाइनली यहीं रुके। तो इसका फैक्टराइज क्या हो गया, अब उस बात को समझिए, फैक्टराइज मेन है इंपॉर्टेंट, फैक्टराइज क्या है इसका मेन, देखिए सबसे पहले कितने से डिवाइड हुआ 3 से, ये जो इधर लिखे हुए ये इसके सारे फैक्टराइज हैं, ठीक है ना। तो देखो कितने से 3 से हो गया, फिर उसके बाद कितने से हो गया 5 से हो गया, फिर 7 से, लास्ट में जो 13 आया क्योंकि ये भी तो होगा इसका, तो ये सब इसके क्या हैं फैक्टर्स होंगे, समझ में आ गई बात। तो क्या क्या होंगे फैक्टर्स, देखिए ध्यान से समझेंगे इस बात को फिर से, क्या क्या होंगे फैक्टर्स इसके, एक तो आपके पास 3 आ गया ये वाला पॉइंट, एक आपके पास नेक्स्ट वाला 3 हो गया, इसके बाद नेक्स्ट 5 आ गया आपके पास, उसके बाद 7 आ गया, और उसके बाद 13 आ गया, तो इसके फैक्टर्स हो गए किसके 4095 के। आई होप गाइज आपको ट्री मेथड अब अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज कि हमें कैसे सॉल्व करना है इस ट्री मेथड को लेके कॉन्सेप्ट को, ओके गाइज। तो ये था आपके पास ट्री मेथड्स, ओके
अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो हमारी मेन हेडिंग थी आज की, क्योंकि इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था। यही सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। उससे पहले हम लोगों ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्री मेथड को समझाए। अब जो मेन हेडिंग थी, जो हमें बेसिक करना था, जो हमारा टॉपिक था आज का, वो यही था गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसको हम कैसे डील करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या समझाती है। उसने कहा जो कंपोजिट नंबर होते हैं, आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर कह रहा है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। ऑब्वियसली प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट ही होती है, जैसे 6 है, सपोज है 6 कितने से होता है, 1 से भी होता है, ठीक है ना भाई, 2 से भी है, 3 से भी होता है। तो देखो, जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास आई यू क्या आ गया, 6 आ गया, नहीं आ गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से नहीं है, 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर होता है, तो है नहीं है। पहले बताइए, देखिए पहले इस चीज़ को समझिए, कहना क्या चाह रहा है कॉन्सेप्ट आपको, ये चीज़ ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है, जो कंपोजिट नंबर, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही है गाइस, कि जब हम डेफिनेशन को समझेंगे तो ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस। उसने सीधी सीधी बात ये समझाने की कोशिश की मुझे, कि यदि मैं कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करूँ तो ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि प्राइम नंबरों की वो प्रोडक्ट होती है। किसकी प्रोडक्ट होती है, प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट समझ में आ गया होगी, क्योंकि कंपोजिट नंबर है 6 लिया मैंने अभी, आपको दिखाया प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट थी, ठीक है ना। आप और भी ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 को बताइए, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 6, देखिए 1, 2, 3, 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स हैं नहीं है, ये बताइए। पॉइंट समझ में आ रहा, नहीं आ रहा यहाँ तक, तो बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरह से कंडीशन कह रहा है कि कंपोजिट जो नंबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। यदि मैं सिंपल ही बात करूँ, यदि मैं 12 को फैक्टराइज करके दिखाऊँ, देखिए यदि मैं 12 को फैक्टराइज करूँ इस तरह से, 2 6 12 2 3 12 3 1 1, तो अब ये देखिए 2 × 2 × 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर। तो यानी इसमें क्या समझा आपने इस बात में, कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। ये मैं बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था आपको अभी इतनी देर से, तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कि जो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन वन फैक्टर, जैसे हमने 12 को समझा था अभी, 1 का फैक्टर, 2 3 4 6 और 12 खुद में होते हैं, ये तो कंपोजिट नंबर हो गए। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम मुझे क्या समझाती है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी उनका जो फैक्टर्स किए जाते हैं वे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही आते हैं। फैक्टर्स प्रोडक्ट, ध्यान रखना, जो फैक्टर्स आते हैं उनकी प्रोडक्ट कैसी होती है, फिर प्राइम नंबर्स होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, यानी प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट होती है फैक्टर्स उनके। यहाँ तक भी आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ नॉट की बात है, कुछ नॉट भी समझते हैं हम लोग, ध्यान देना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। पूछ लेता है वो आपसे कि भाई इसका दूसरा नेम बताइए, अदर नेम क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो ध्यान रखेंगे गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो सेकेंड नेम होता है वो होता है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। दूसरी चीज, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, उन्होंने कहा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक होती है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। यानी उनके ऑर्डर को छोड़ते हुए, जो फैक्टर है उन फैक्टर के ऑर्डर को लेफ्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, ध्यान रखना नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। नेचुरल नंबर्स के क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो भाई नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। लेकिन ध्यान रखना वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, फैक्टर्स के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, उससे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ तक भी मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस, ओके। चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए। कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करा रहा है, समझिए बात को, एग्जांपल समझते हैं। एक्सप्रेस 101 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, किसकी प्रोडक्ट में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। इट मीन्स कंपोजिट नंबर, कौन सी थ्योरम हो गई ये,
अभी आपने पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक FTA, जिसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, तो ये पॉइंट था, इसे नॉन कैटेगरी में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम फैक्टर्स के मैं कहने का मतलब क्या हो गया कि आपसे किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, आपसे इंडिकेट कर रहा है ये कौन सी कंडीशंस में, कंपोजिट नंबर की। तो 101 को आपने क्या करा, ट्री मेथड से कर लीजिए, चाहे एज योर चॉइस आप LCM मेथड से कर लीजिए, यह आपकी चॉइस है, यहाँ आपको एक बाउंड्री नहीं है। आपको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है, तो प्राइम फैक्टर के कंडीशन में जब इसे आपको एक्सप्रेस करना है, यहाँ चॉइस होती है, चाहे आप इसमें ट्री मेथड से क्वेश्चन को डील करें या LCM वाले मेथड से क्वेश्चन को डील करें, वो चॉइस आपकी है गाइस। ओके, तो गाइस समझिएंगे बात को, बहुत ध्यान से ध्यान देना गाइस इस पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये वाला, जो आपको समझना होगा। देखिए 101 के हमने ट्री मेथड से सॉल्यूशन किया, 101 को 3 से 7 से कैंसिल किया, 143 आ गया, फिर 11 से किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये केस में आपके पास यहाँ पर फाइनली गेट हो गया, ये से हमने एक्सप्रेस करेंगे 1001 को। देखिए ये कर रखा एक्सप्रेस हमने इसमें 7, 11 और 13, तो यूज़ हो गया। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर, 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर, 13 भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, नहीं हो गया, कौन सा नंबर, 1001। और 1001 को यदि हम दूसरी लैंग्वेज में समझे तो कौन सा नंबर बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हमने किस में दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यही हमारी डेफिनेशन थी, यही हमें समझाता है, कहता है कि भाई यदि हमें सॉल्यूशन करना है तो प्रोडक्ट मेथड्स हमें यही बात समझाएगा क्या, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स किसके इक्वल होते हैं, कंपोजिट नंबर के होते हैं इक्वल। ठीक है गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा भाई एक्सप्लेन कीजिए कि वाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, क्यों होता है ये नंबर कंपोजिट। सीधी सीधी सी बात है, पहले से कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर, आपने कैलकुलेशन करी 3 × 5 × 7, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 + 7 = 112। अब इसे 112 को अपने ट्री फैक्टर्स से कर लिए, इसके ट्री फैक्टर्स कर लिए, ट्री फैक्टर्स आपको पता है 112 के। आप वाई का रिप्लाई करें क्यों है ये कंपोजिट, क्योंकि 112 को आपने 2 से डिवाइड किया 56, फिर 2 से डिवाइड किया 28, फिर आपने क्या किया गाइस 28 को डिवाइड किया कितने से, 2 से किया तो 14, फिर 2 से किया तो 7। तो आप देखिए जो आप यहाँ लिखेंगे इसके फैक्टर्स 112 के, वो क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 4 × 7। 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, 7 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो 112 को आपने प्रोडक्ट ऑफ किस में लिखा हुआ है, प्राइम नंबर में। जब कोई कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखी जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी इट मीन्स कंपोजिट नंबर कॉल किया जाएगा। जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है गाइस, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, यही हमें समझना था गाइस यहाँ पे। आई होप गाइस अब आपको आज का जो टॉपिक था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आई होगी बात है कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके गाइस, तो ये था आपके पास, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ट्री ही मेथड यूज़ किया जाए, आप LCM मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जब तक वो कुछ ना गिवन करे, बस ज़्यादातर मोस्टली मैंने ट्री मेथड से क्वेश्चन को डील किया तो इसलिए मैंने ट्री से समझा दिया आपको, लेकिन आपकी मर्जी है, जब तक कुछ बाउंड्री नहीं लिखी भी आ रही तो आप चाहे तो LCM मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 112 आया था आपके पास, 112 को आप इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, LCM मेथड जो आपके पास होता है। ठीक है गाइस, पॉइंट समझ में आ गई होगी यहाँ तक बातें अब मेरी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट भी क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम पे ही डिपेंड है, क्योंकि इसे कराना भी मुझे ज़रूरी है इस एग्जांपल को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, जिसको हम बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, समझते हैं, समझिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में चेक वेदर 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यदि और सारी कंडीशंस में आ जाए, कुछ भी आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस को, हम कैसे डील करेंगे, ध्यान समझिए। चेक वेदर दिस कंडीशन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या लिख दिया, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। क्या आपको ये चेक करना है कि 4 की पावर n, 6 की पावर n और 12 की पावर n की जो एंड डिजिट होती है वो क्या 0 होती है। जैसे हम लोग 10 लिखते हैं, 10 के एंड डिजिट कितनी है, 0 है। इसी तरह से हमें बताना है गाइस क्या 4 की पावर n,
6 की पावर n एंड 12 की पावर n की जो n डिजिट होगी क्या वो जीरो होगी क्या, ये हमें चेक करना है गाइस। तीनों क्वेश्चन चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए इसके, सबका एक ही पैटर्न है, उसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे इस पैटर्न को कि कैसे हम डील करते हैं। सेम लैंग्वेज ये लिखनी होगी आपको हर उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा, सबसे पहले आपने कहा भाई गिवन क्या है, एक n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या करें, लेट कर लिया कि भाई 4 की पावर n को लेट करके चल रहे हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं कि भाई कैन एंड विद द डिजिट 0, तो 10 4 की पावर n इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 5। भाई एक बात बताओ बच्चों, जिसकी n डिजिट 0 होती है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है, वो 5 से भी होता है, चेक कर लीजिए। लेट से जैसे 10 है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है, इसी तरह से 20 लिखूंगा वो 2 से भी डिवाइड हो गया, वो 5 से भी डिवाइड होता है, कोई भी ले लीजिए जिसका n डिजिट कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो, इसकी n डिजिट कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो, समझ में आ गई बात। तो उसने ये बात समझाने की कोशिश की, मैं मान लिया कि भाई 4 की पावर n कैन एंड विद 0, विद द डिजिट 0, 0 आती है, मैंने कह दिया ये लेट कर लिया, यदि n डिजिट 0 आती है तो वो 4 की पावर n 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये तो मीनिंग हुआ भाई, जिसकी लास्ट n डिजिट 0 आ रही है वो 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, चलिए समझते हैं। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए वो 2 × 2 हुए, इट मीन्स भाई 4 की पावर n थी तो हमने 2 × 2 की पावर n कर दिया, यानी 2 की पावर 2n हो गया, समझ में आएगा कैसे हुआ 2 की पावर 2n, ये तो पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो समझा देता हूँ, देखिए ध्यान समझेंगे भाई, 2 की पावर 2 हो जाता और उसकी होल पावर कितनी हो जाती n, पावर की पावर तो आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2 की पावर 2n। अब तो बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या आया। अब इसमें एक देखिए, केवल 2 तो आ चुका लेकिन 5 नहीं आया, क्योंकि जबकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की यदि n डिजिट 0 होनी चाहिए तो वो 2 से भी और 5 दोनों से कंपलसरी है डिवाइड होना, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने लिख दिया यहाँ पे गाइज आपके पास केवल एक पॉइंट कि वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है। तो देखो उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, वो 5 को कंटेन नहीं कर रही है लेकिन 2 को कंटेन कर रही है, 5 को कंटेन नहीं कर रही है, तो 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, तो इट मीन्स सो यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम, या इट मीन्स अभी बताया थी मैंने आपको, बोलते से यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम का दूसरा नाम क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहता है, ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टर्स इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, यानी 4 की पावर n में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए था वो क्या होने चाहिए थे, एक से ज़्यादा होने चाहिए थे, यानी 2 के साथ हमारे साथ कितना चाहिए था 5, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, जब नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हैंस देयर इज अ नो नेचुरल नंबर्स n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, नो ध्यान रखना शुरू में इसलिए ना नो लगा देगी, यानी उसका जो n डिजिट होगी वो 0 नहीं हो सकती। रीजन सीधे सीधे तो आपको पता ही है गाइस, ये भाई सीधा देखो मेन कंक्लूजन क्या रहा, इसको भी ब्रीफ वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। जैसे हम 4 की पावर n को कर रहे थे, 4 की पावर n को फैक्टराइज कर लिया 2 इंटू 2 की पावर n, इट मीन्स आपने समझा 2 की पावर 2n। भाई एक लाइन समझो, किसी की n डिजिट 0 होने का मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो और वो 5 से डिवाइड हो, सिंपल सी बात है, 2 तो इन्वॉल्व हो गया 5 कंटेन नहीं कर पाया, इसलिए इसका n डिजिट 0 नहीं हो सकता, बस सीधी सीधी सी ये बात है जो मैंने आपको थ्योरी में बात समझाई है वो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि इसमें जो यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम है वो होल्ड नहीं हो पा रही है, जब होल्ड नहीं हो पा रही तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी n डिजिट है वो 0 नहीं पॉसिबल है, सीधी सी बात ये। यही इसी तरह से क्वेश्चन आपको 6 की पावर n का करना होगा, किससे करना होगा, 6 की पावर n का, इसी तरह से आप 6 की पावर n को भी डील करेंगे। 6 की पावर n के लिए वही फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे, लेट लेके चलेंगे कि 2 और 5 से परफेक्टली डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 और 3 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या इसका एंड भी 0 नहीं हो सकता पॉसिबल। 12 की पावर n को भी सेम एज इट इज़ करेंगे। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम पे क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। कल इस पे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम पे SCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड को लेकर, ओके गाइस। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा, फिलहाल इन चीज़ों को आपको नोट करके चलना है जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ हर चीज़ को, ठीक है गाइस। ये फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और लगभग और भी ये दो और दिन का रह गया, यानी 2 लेक्चर का और टॉपिक रह गया, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है अभी ये, ठीक है गाइस। तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझ के चलते रहें और इसे सॉल्व नोट करते भी चलें गाइस, ओके। तो आई होप गाइस यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। यदि किसी को कोई भी डाउट्स हो
इस थ्योरम में, आज फंडामेंटल वाली थ्योरम में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। तो ध्यान रखना गाइस, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये डील करना है। यदि 10 ही आ गया तो ऑब्वियसली इसकी में क्या आ गया, 10 में की एंड डिजिट ऑब्वियसली 0 होती है, क्योंकि इसमें 2 भी फैक्टराइज होता है, इन्वॉल्व होता है, इसमें 5 भी कंटेन होता है, तो 2 एंड 5 दोनों कंटेन, तो यूनिक फंडामेंटल थ्योरम क्या हो गई, होल्ड हो गई। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस तरह की 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n, बहुत सारे ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जाए, कहीं भी आ जाए, तो सबका एक ही पैटर्न फॉलो करना जो मैंने अभी आपको समझाया, सेम एज इट इज कॉपी मारनी है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको यहां तक मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस, ओके। कल हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे कि SCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।